सेक्स एंड फोर प्ले के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। लोग समझते हैं कि सेक्स मतलब इंटरकोर्स मतलब लिंग का योनि में प्रवेश करना और उसको ही सेक्स समझते हैं। एक्चुअली वो इंटरकोर्स है और उसके पहले जो होता है वो फोर प्ले है और बाद में जो होता है वो आफ्टर प्ले या आउट प्ले है। फोर प्ले जो है वो उसको कहा जाता है कि इंटरकोर्स मतलब अंदर लिंग का प्रवेश करने के पहले जो भी किया जाता है उसको बोलते हैं फोर प्ले। और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि आपको सेक्स करना भी नहीं है, सेक्स करने की जगह भी नहीं है, मगर आप फोर प्ले कर सकते हो और उसमें सेक्स इतने आनंद ले सकते हो। हो सकता है कि आपका सेक्स करने का इंटेंशन ही नहीं है, सिर्फ फोर प्ले करने का इंटेंशन है, उसमें आनंद लेने का है, मतलब सेक्स करना ये अपने दिमाग में भी नहीं है, नहीं सिर्फ फोर प्ले करना है क्योंकि जगह ही नहीं है या जहाँ भी मिले वहाँ इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं है, तो फोर प्ले कर लिया और बाद में फ्री हो गए, मतलब ये भी होता है। तो फोर प्ले इसका मतलब इंटरकोर्स करना ऐसा जरूरी नहीं है। फोर प्ले यह एक एक्टिविटी होती है कि जो सेक्स के पहले की जाती है। सिर्फ आप फोर प्ले करते हो और अच्छी तरह से फोर प्ले करते हो तो सेक्स इतना ही आनंद उसमें आ सकता है, बहुत बड़ा आनंद आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सेक्स ही करना है और उसमें आनंद आएगा। फोर प्ले में क्या होता है, फोर प्ले में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, बहुत सारे चेंजेस बॉडी में होते हैं और उसका जो आनंद आता है वो आनंद बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो एक्चुअली सेक्स करने से भी ज़्यादा हो सकता है, इतना ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है कि जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब शारीरिक या फंक्शनल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं उस समय बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फोर प्ले में, और उसमें जो आनंद होता है वो एक्चुअली इंटरकोर्स से भी बहुत ज़्यादा होता है। फोर प्ले में भावनिक दृष्टिया भावनिकता से बहुत आत्मीयता तैयार होती है, भावनिक आत्मीयता बोल सकते हैं पार्टनर के साथ में, और सेक्स भी नहीं किया तभी भी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आता है, मतलब बहुत जुड़ जाते हैं एक दूसरे से फोर प्ले में, और सेक्स के बाद में भी बहुत एक भावनिक आत्मीयता बनी रहती है यदि फोर प्ले आप करते हैं, उसका इतना ज़्यादा महत्व है। यदि आप रिलेशनशिप में नहीं हो और सिर्फ एक साथ में आए हो और सेक्स करने की इच्छा है, या कोई स्ट्रेंजर से भी सेक्स कर रहे हैं आप, तभी भी फोर प्ले इम्पॉर्टेंट है। मतलब समझो एक स्ट्रेंजर, उसके साथ में आपने फोर प्ले कर लिया और उसके साथ में भी उसमें बहुत सेक्स में मजा आएगा और एक आत्मीयता निर्माण हो सकती है, तो स्ट्रेंजर से भी जब सेक्स करते हैं तो फोर प्ले करना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि वेश्या के पास में जाते हैं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, बोलते चलो जल्दी जल्दी सेक्स करो, जल्दी कपड़े उतारो, जल्दी सेक्स करो, जल्दी योनि में प्रवेश करो लिंग का, अच्छा कठोरता नहीं है, चलो आप काम में नहीं है, कुछ काम के नहीं, चलो बाजू हो जाओ जल्दी, और उसको कुछ इंटरेस्ट रहता नहीं है, तो उसमें फिर बहुत फेलियर होता है। वेश्या के साथ में भी जाते हैं आप सेक्स वर्क के साथ में, तो भी फोर प्ले करना जरूरी है। और मैं ये ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि कोई वेश्या ऐसा करती है कि भाई चलो जल्दी इंटरकोर्स करो, जल्दी बाजू हो जाओ, तो सेक्स करना ही नहीं है। फोर प्ले से एक बॉन्डिंग बन जाता है, आत्मीयता बन जाती है, अच्छी रिलेशनशिप हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती है। यदि आप स्ट्रेंजर के साथ में हो और यदि आप फोर प्ले करते हो तो नेचुरली दोनों में बहुत ज़्यादा अराउजल आ जाता है और सेक्स करने की इच्छा भी नहीं होगी तभी सेक्स हो जाता है या हो सकता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अराउजल करता है, सेक्सुअल अराउजल बहुत ज़्यादा करता है। क्या होता है कि फोर प्ले में सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन जो फील गुड हार्मोन्स है ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, मतलब हैप्पी हार्मोन्स, और जब वो हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मस्त लगता है फोर प्ले में। फोर प्ले में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, हार्ट रेट बढ़ता है, पल्स रेट जो है नाड़ी वो बढ़ जाती है, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, फिर अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ जो खून की नलियाँ बहती है मतलब जाती है, कनेक्ट होती है, उसमें ज़्यादा खून बहना चालू हो जाता है, वो खून बहना चालू हो गया तो ज़्यादा हीट उसमें तैयार होती है, वो ऑर्गन्स बड़े हो जाते हैं, इरेक्शन आता है, कठोरता आती है। लेडीज़ में भी जब फोर प्ले करते हैं तो ज़्यादा ब्लड वेसल्स क्लाइटोरिस के तरफ, वजाइना के तरफ जाएगा, पुरुष में पेनिस के तरफ बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो जाएगा और वो बड़े हो सकते हैं, मतलब वो फूल सकते हैं, फूल जाते हैं और बहुत ऐसा हीट उसमें आ जाते हैं, एक्चुअली गर्म मतलब हो जाते हो, ऐसा हाथ लगा के देखा तो गर्म होते हुए आपको नजर आएंगे कि फीलिंग होगा गर्म हुए ऐसा। फोर प्ले में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई ब्रेस्ट के तरफ मतलब स्तन के तरफ जाता है, नीपल्स जो है उसके तरफ जाता है ब्लड फ्लो और वो भी फूल जाते हैं, और उसमें भी वो लेडी को या जेंट्स को दोनों के भी बहुत अच्छा लगता है फोर प्ले करने में। फोर प्ले में वजाइना के तरफ बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है और लुब्रिकेशन होता है, स्क्विर्टिंग बोलते हैं उसको,
फोर प्ले में स्क्विटिंग ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी छूटता है, तो होता क्या है कि लेडीज़ की जो नीचे का पूरा जो हिस्सा है वो गीला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, चिपचिपा पानी छूटता है, जिससे लिंग का प्रवेश अंदर होने में काफ़ी अच्छी मदद होती है, सहायता होती है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। और फोर प्ले में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है, तो फिर क्या होता है कि इंटरकोर्स जब एक्चुअली चालू करते हैं तो चरम सीमा भी जो है, औरत की चरम सीमा, सेक्स की अत्युच्च सीमा जो है, वो फिर जल्दी आ जाएंगे। यदि आप डायरेक्टली इंटरकोर्स करेंगे तो औरत को जो चरम सीमा आती है ऑर्गेज्म, तो उसको आने को टाइम लगता है, और हो सकता है कि यदि आदमी का पहले निकल गया तो बाद में औरत बोलेंगे मेरा तो हुआ ही नहीं है, और वो चिल्लाएगी, वो झंझट करेगी, वो गुस्सा करेगी, वो अतृप्त रहेगी, असंतुष्ट रहेगी, और प्रॉब्लम होगा। तो यदि औरत को खुश करना है तो फोर प्ले कम से कम 10 से 15 मिनट होना जरूरी है, जिससे यह सब बात के प्रॉब्लम जो वो होंगे नहीं और दोनों को तृप्ति मिलेगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फोर प्ले क्या मतलब इंटरकोर्स करना ही है, फोर प्ले है और कोर्स जो है मतलब मेन कोर्स, वो मेन कोर्स जो है वो अपने लिस्ट में होगा भी नहीं। जो मेन कोर्स है मतलब एक्चुअली जो इंटरकोर्स है वो आपके लिस्ट में होगा भी नहीं, और वो उसका अंतिम उद्दिष्ट भी नहीं होगा, और वैसा भी फोर प्ले कर सकते हैं। तो इसका ऐसा मतलब नहीं कि फोर प्ले करें इसका मतलब सेक्स करना ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। और फोर प्ले कहीं भी किया जा सकता है, इंटरकोर्स नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा है कि फोर प्ले आप कहीं भी एकांत मिल गया, थोड़ा सा वहाँ सोने की जगह भी नहीं, इंटरकोर्स जगह भी नहीं, मगर वहाँ फोर प्ले हो सकता है और वहाँ आनंद मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फोर प्ले ये जो है ना वो मेन कोर्स हो सकता है, मतलब वो मेन इवेंट वही हो सकता है कि भाई इंटरकोर्स होने की इच्छा ही नहीं है या करना ही नहीं है और सिर्फ फोर प्ले ही करना है, तो मतलब मेन कोर्स करना ही नहीं है, फोर प्ले कैन बी द मेन कोर्स, दैट इज द मेन इवेंट, ऐसा भी हो जाता है। यदि आपको ऐसा मालूम है कि आप दिन के आखिरी में शुरू करने वाले, मतलब ये सेक्स करने वाले हैं, तो हो सकता है कि दिन में आप शुरू करते हैं तभी से आप चालू कर सकते हैं। जैसा कि वो काम में बिजी है तो आप एक नोट लिख सकते हैं, नोट लिख के लिख सकते हैं वहाँ कि लव यू, आज का दिन, आज की नाइट अपनी नाइट है, ऐसा कुछ उसको नोट लिख के दे सकते हैं, ताकि वो भी, उसको भी उत्सुकता आएंगी और वो भी एक्साइट हो जाएगी। लेटर ऑन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उनको टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं अपने बीवी को या जिसके साथ में भी आपको इंटरकोर्स करना है, ताकि उनको ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये अपना अपने बारे में सोचता है, अपने को टेक्स्ट किया, अपने को व्हाट्सएप किया हुआ है, और ये अपने में इंटरेस्टेड है, उत्सुक है, और वो भी फिर आपके विचार करना चालू करेंगे। तो सवेरे चिट्ठी लिखना या टेक्स्ट मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, मतलब इट्स ए पार्ट ऑफ द फोर प्ले, इट्स पार्ट ऑफ द इंटरकोर्स। ऐसा नहीं कि इंटरकोर्स मतलब लिंग का यूनि में प्रवेश करना, ये भी एक पार्ट ऑफ द इंटरकोर्स है कि आप टेक्स्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, और उसको मतलब सुबह से उसको एक ये हिंट दे रहे हैं कि भाई रात को हमको करना है। यदि आपकी वो बीवी नहीं है और आपकी आप रिलेशनशिप में हो, पार्टनरशिप में हो, पार्टनर है, तो हो सकता है कि आप शाम को उसको इनवाइट करेंगे डिनर के लिए, पार्टी के लिए, ड्रिंक्स के लिए, उसके साथ में बैठेंगे, गपशप करेंगे, और हो सकता है कि इंटरकोर्स की तैयारी करेंगे या साथ में आने की तैयारी करेंगे। तो साथ में ड्रिंक्स लेना या साथ में डिनर करना या बातचीत करना, वो भी एक हो सकता है। हो सकता है कि जब आप सेक्स करते हो तो कुछ म्यूज़िक ऑन है, कुछ सेक्स ट्यून्स ऑन है, वो भी हो सकता है। हो सकता है कि आप एक्चुअली सेक्स करने के पहले कुछ रोमांटिक सॉन्ग लगाते हो, डांस करते हो और उसमें किसी को एक्साइट करते हो, तो वो भी पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे जो इलाज है कि वो आप करते हैं, तो वो फोर प्ले में हम उसकी गिनती कर सकते हैं। फोर प्ले में मज़ा आने के लिए आप आपका कमरा बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं, आपका बेड, आपकी बेडशीट, फिर आप उसको जो भी अच्छा लगता है अपने पार्टनर को, समझो चॉकलेट्स है या कुछ जो भी अच्छा लगता है उसको, वो खाने के लिए उसको वहाँ रखते हैं बेड के ऊपर, या जो कोई केक है, आइसक्रीम है, मतलब जो भी उसको अच्छा लगता है, जिससे उसको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरा पार्टनर मेरी केयर करता है, सो दैट ऑल्सो कैन बी ए पार्ट ऑफ द फोर प्ले। फोर प्ले में मसाज करना, इरोजिनस जोन्स के बारे में मालूम करना, और इरोजिनस जोन्स मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के बॉडी पार्ट्स की जहाँ टच करते हैं तो सामने वाला एक्साइट हो जाएगा, तो वो बॉडी पार्ट्स अपने को खुद को मालूम होना चाहिए कि अपने बॉडी पार्ट्स कौन से हैं, और आपने वो बताना चाहिए पार्टनर को कि मेरे बॉडी पार्ट्स ये है, और पार्टनर भी पूछना चाहिए कि आपके बॉडी पार्ट्स कौन से हैं, कि जहाँ टच करते हैं, जहाँ मसाज करते हैं, टिकलिंग करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। तो वो इरोजिनस जोन्स की मालूम होनी चाहिए, वो क्या होते हैं और आपको एक्साइटमेंट कहाँ आता है, वहाँ मसाज करना, किसिंग करना, ये फोर प्ले में शामिल होता है। फोर प्ले में आप वाइब्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पेनाइल रिंग्स है जो वाइब्रेट करती है और लिंग को उत्तेजित करती है, फिर वाइब्रेटर्स है जो लेडी को बहुत एक्साइट कर सकते हैं,
या फिर वैक्यूम पंप्स हैं, इसके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लूब्स ऐसी है कि जिसका इस्तेमाल आप करते हैं तो बहुत मज़ा आएगा, या फिर एनेस्थेटिक स्प्रेज या क्रीम्स कि जो आप लगाते हैं तो सेंसेशन कम होता है और ज़्यादा समय तक आपका फिर बाद में सेक्स चलेगा। आप शावर ले सकते हैं दोनों मिला के, और शावर लेना, साथ में शावर लेना, एक दूसरे को एक्साइट करना, वो भी एक अच्छे फोरप्ले का पार्ट हो सकता है। ओरल सेक्स जो है वो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, तो ओरल सेक्स में जो लिंग है पुरुष का, पेनिस जो है वो मुंह में लेना और उसको एक्साइट करना, और पुरुष ने स्त्री के क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट करना, वजाइना को स्टिमुलेट करना, और ओरल मतलब टंग से करना, लिप से करना, वो भी एक ओरल सेक्स का पार्ट होता है और वो भी फोरप्ले में एक उसका हिस्सा है, एक उसका अंग है। अब लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा यदि आपका पार्टनर तैयार नहीं है फोरप्ले करने के लिए, तो उसके बाद में बातचीत करनी पड़ेगी, उसका क्या इंटरेस्ट है वो पूछना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि यदि फोरप्ले नहीं करेंगे बोले चलो जल्दी कर लो, तो क्या होता है कि वहाँ गिलापन नहीं आएगा, मतलब डिस्चार्ज नहीं रहेगा, वहाँ वजाइना लुब्रिकेशन नहीं रहेगा, फिर पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए पहले बातचीत करना, एक्साइट करना, डांस करना, म्यूजिक सुनना, मतलब जो बताया वो सब करते हैं तो डेफिनेटली पार्टनर को एक्साइटमेंट आ जाएगा, और उसने कितना भी बोला कि मुझे फोरप्ले में इंटरेस्ट नहीं है तभी फोरप्ले करना जरूरी है। रूम में स्प्रे मारना, बॉडी स्प्रे करना, फिर मुंह जो है मतलब खाना खा के आप बेड पर जाते हो तो लहसुन का मतलब गार्लिक का, प्याज का, अदरक का, मुंह को बांस आता है तो वो भी डालना चाहिए, इसलिए ब्रश करके जाना चाहिए बेड के ऊपर, या माउथ फ्रेशनर जो है उसका इस्तेमाल करके जाना चाहिए, और बॉडी स्प्रे आप लगाते हो तो उससे भी पार्टनर को काफ़ी एक्साइटमेंट आ सकती है। तो ये सब चीज़ें आप जब देखते हैं करते हैं तो आपका फोरप्ले सक्सेसफुल होगा और आपका 50% से ऊपर तक काम फोरप्ले में हो जाएगा, मतलब एक्साइटमेंट जो है स्त्री का एक फोरप्ले में 50-60% हो जाएगा, फिर बचा हुआ जो है वो पेनिट्रेशन के बाद में होगा। फिर आपको अच्छा लगा सभी लोगों को शेयर करो, क्योंकि फोरप्ले इज द प्ले, ऐसा भी हो सकता है, मतलब वही प्ले हो सकता है, और वो यदि प्ले नहीं है तो प्ले करने के पहले बहुत जरूरी है। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डानाफिल मतलब वायग्रा, टालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए, तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी की तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वह गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकरध्वज, ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।